देखिए मैंने करेले उबाल ली हूँ, उसमें हल्का सा नमक डाल के और उसको कढ़ाई में बॉयल कर ली हूँ। बीज बॉयल करके फिर बीज निकाल दी हूँ। उसमें हमने सारे मसाले जो मेरे पास था मसाला, सब मसाला डाल करके हम करेले को अंदर भर दी हूँ। भर के अब मैंने इस करेले को दो चार चार कर करके कढ़ाई में डालूँगी और उसको हमने तल के निकाल देंगे। अभी हमने लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, भर सावन 2 महीना का सावन है, हम नहीं खाते हैं लहसुन प्याज, इसलिए लहसुन प्याज नहीं डाली हूँ। जो हमारे पास मसाला है किचन में बिना लहसुन प्याज का, उसी को मैंने मसाले को भूज करके इसमें डाल दी हूँ और डाल के भर के बढ़िया से रख दी हूँ। अब इसको हमने कढ़ाई में तेल डाली हूँ। कढ़ाई में तेल डाल करके मैंने देखी कढ़ाई में अब तेल थोड़ा सा अब वो करने लगा है, धुआं देने लगा है। धुआं दे करके मतलब कढ़ाई ठंडा हो जाएगा, अच्छा से उबल जाएगा तेल। हमने उसमें चार चार पांच पांच करेले का टुकड़ा डालूंगी और डाल करके उसको हमने तल के निकाल लूंगी।